हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम नए तरह की मिठाई लेके आए हैं। देखिए, हमने ये 100 ग्राम गढ़ी का बुरादा लिया हुआ है। बिना गैस जलाए झटपट हम मिठाई बना के, स्वादिष्ट मिठाई बना के तैयार करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इतना स्वादिष्ट और सिंपल मिठाई है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। चलिए दिखाते हैं हम आपको। देखिए, हमने चीनी पीस के रखा हुआ था। हमने ये एक कटोरी पिसी हुई चीनी डाल दी इसमें। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। देखिए, हमने ये एक कटोरी मिल्क पाउडर ले रखा है। अब इन सब चीजों को हम मिला देते हैं। अब इसमें हम पिसे हुए बादाम भी डाल देंगे। देखिए, इन चीजों को हमने डाल दिया। देखिए, हमने ये दूध की मलाई ले रखी है। अब इसमें हल्का हल्का सा हम डालते हुए इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, इसे हम अच्छे से मिला के तैयार करेंगे। देखिए, हमने थोड़ा सा पहले डाला, एक ही बार नहीं डालना रहता है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें इसे अच्छे से मिलाना है। देखिए, हमने इसे गुदके तैयार कर लिया है। अब इसे हम, देखिए हमारा दूध इतना बच गया है। हमने मलाई डाल के इसको अच्छे से मिला लिया। ऐसे ही करके सिंपल सी, आसान सी और स्वादिष्ट मिठाई बना के घर पे झटपट तैयार कर सकते हैं। हमने और वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए, हमने इसे मसल मसल के अच्छे से गूंथ के तैयार कर लिया है। कैसे इसमें से दिख रहा है, इसका जो नारियल का तेल होता है, हमने इसे इतने अच्छे से मसला है और हमने मलाई डाली थी, इसकी वजह से घी भी दिख रहा है। देखिए, इसे अच्छे से मसल मसल के हमने तैयार कर लिया। अब इसको हम ऐसे ही करते हुए, देखिए अब हम दोनों हाथों से इसे ऐसे ही करके, देखिए अब हम बटर पेपर लेंगे, उस पे हम रख के इसको रोल करेंगे। देखिए, हमने ये बटर पेपर पेपर है, अब इस पे हम अपना जो बना के तैयार किए थे ये हम रख के इसे रोल करेंगे अच्छे से। देखिए, हमने इसे लेके अच्छे से, जैसा चाहिए आपको वैसे हम इसे कर लेंगे। हम अपने अनुसार इसे, जैसा लंबा रखना है उसके अनुसार हम इसे कर लेंगे। देखिए, ऐसे ही करते हुए हम इसे लगा के देख सकते हैं आप। ऐसे ही हम इसको अपना साइज देंगे। ऐसे ही करते हुए हमें कर देना है, क्योंकि ऐसे कर देने से ये अच्छे से बहुत रोल हो जाते हैं। ये साइड से आप इसे ऐसे ही दबाते हुए, देखिए हमें साइड से ऐसे ही से करके ये साइड से भी बराबर कर लेना है। देखिए, दोनों साइड से हमें ऐसे ही से बराबर करके और अच्छे से रोल करना है कि हमारी मिठाई देखने में बहुत अच्छी लगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से करके, अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। देखिए, इसे 10 मिनट हो गया, हमने फ्रिज से बाहर निकाल लिया, देख सकते हैं आप। देखिए कैसे अच्छे से हमारे तैयार हो गए रोल बनके। अब इसे हम डिजाइन दे देते हैं। हमने ये ऑरेंज कलर ले रखा है, हम इसे डिजाइन देंगे। देखिए, ऐसे ही करते हुए अच्छे से हम डिजाइन बना के तैयार करेंगे कि देखने में हमारी मिठाई बहुत अच्छी लगे। ऐसे ही करते हुए हम अपनी मिठाई को तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने डिजाइन बना के तैयार कर दिया। अब अपनी मिठाई को हम काटेंगे। देखिए, ऐसे ही करते हुए हमें पतला पतला सा अपनी मिठाई को काट लेना है। काट के आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ऐसे ही करते हुए हम अपनी सारी मिठाई को काट के तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं आप। ऐसे ही हम अपनी सारी मिठाई को
काट के तैयार कर लेंगे। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं हमारी मिठाई। देखिए हमने सारे काट के तैयार कर लिए, हमारी झटपट से स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो गई है। हम आपको दिखाते हैं उठा के। देखिए इन सब को हम साइड में हटा देते हैं। देखिए हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, देखने में भी उतनी ही स्वादिष्ट जितने खाने में स्वादिष्ट लगेगी। देखिए हम दिखाते हैं आपको घुमा के कि कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने और वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने बिना गैस जलाए मिठाई आपको बना के दिखाई है, सिंपल और आसान, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट। आप इसे जरूर बना के खाइएगा।